ओबीसी समुदाय की सभी जातियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। महीने भर पहले ही न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि आयोग ने अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग नहीं की है और जुलाई अंत तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सवाल ये है कि अगर कमीशन ने अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग नहीं की थी तो सरकार इसे बढ़ाती जा रही है। 2017 में ओबीसी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर बनाए गए जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल 13वीं बार बढ़ा दिया गया है। इस आयोग ने ओबीसी से जुड़े सारे आंकड़ों को डिजिटल मोड में डालने और ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने से पहले एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने की सिफारिश की थी, जिससे कहीं ना कहीं ओबीसी जातिगत व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी हो जाती। यदि वर्तमान माहौल में ये व्यवस्था लागू कर दी जाती है तो खास तौर पर यूपी और उत्तर भारत के कई राज्यों की राजनीति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में यादव वोट बैंक का 90 के दशक के बाद से ही खासा असर रहा है और इस वोट बैंक में काफ़ी वृद्धि भी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति यादवों के नाम पर आधारित है, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि आजमगढ़ की जीत, जिसमें पार्टी के यादव उम्मीदवार की जीत हुई है, उससे कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक धीरे धीरे बीजेपी के खाते में आ रहा है और फिलहाल पार्टी ओबीसी की राजनीति में कोई बदलाव कर अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती।